गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम जो है वो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव के बारे में बात कर रहे थे और हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे एंड नहीं होता, हम इससे थोड़ा और भी आगे बढ़े। एनर्जी डेंसिटी के बारे में हम और भी बात करें तो क्या रहेगी एनर्जी डेंसिटी। हमने दो इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में आपसे बात की थी। वो रिलेशन क्या थे? E नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, एक तो ये रिलेशन, और एक रिलेशन था सी स्केयर इज इक्वल टू वन बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट और रिलेटिव परमिबिलिटी परमिटिविटी से रिलेट है। यहां पे ये दो रिलेशन थे, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन, हम इन दोनों को यूज करें। या तो आप ये करो कि पूरे इस एक्सप्रेशन को ई नोट और एप्सिलॉन नोट में ले जाओ या इसको बी नोट में ले जाओ, आपकी जो मर्जी है वैसे करो। तो हम एक बार इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो क्या लिखा हमने? यू इज इक्वल टू वन बाई फोर एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर प्लस वन बाई फोर बी नोट स्क्वायर की जगह बी नोट स्केयर की जगह मैं यहां से लिख सकता हूं क्या भाई? ई नोट बाई सी। तो यहां पे स्केयर है तो क्या लिखूंगा यहां पे? ई नोट स्केयर बाई सी स्केयर। और यहां पे बच गया म्यू नोट, और म्यू नोट की जगह मैं क्या रख दूंगा? यहां से म्यू नोट की जगह मैं क्या रख दूंगा? म्यू नोट इज इक्वल टू वन बाई सी स्केयर एप्सिलॉन। ये टर्म हम यहां यूज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट की जगह? वन बाई सी स्क्वायर म्यू नॉट। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो तो क्या बचेगा यहां पे? वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये तो सेम ही आ गया। वन बाई फोर अगर आप एड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट E नोट स्केयर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ईएम वेव। हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट स्केयर इज द एनर्जी डेंसिटी। आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हो, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो कि यहां पर आप ई नोट की जगह, तब आपका जो रिलेशन आएगा आप चेंज करके लेके आओगे तो यह आ जाएगा हाफ बी नोट स्केयर बाई म्यू नोट। तो ये रिलेशन जो है वो सही है। एनर्जी डेंसिटी यहां पे हम बहुत बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप एक को ले लो एक अपने आप आ जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी एक के कारण भी आप मान सकते हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये आ गई एनर्जी डेंसिटी। मतलब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है यहां पर? एनर्जी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया आपका कितना भाई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन उसके बाद एक और चीज होती है इंटेंसिटी। एक और एक्सप्रेशन होता है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। इंटेंसिटी होती क्या है? पहले तो हम इंटेंसिटी की बात कर लेते कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होती है? किसी भी वेव की इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट
रहेगी, क्या रहेगी इंटेंसिटी के बारे में। मान लिया कि हम बात करें इस सरफेस के ऊपर सन से लाइट आ रही है, तो उसकी इंटेंसिटी सरफेस के ऊपर कितनी है। तो एक सेकंड में एक यूनिट एरिया के ऊपर जितनी एनर्जी गिरती है दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट। क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई एरिया है और एरिया के ऊपर लाइट गिर रही है, कोई एनर्जी इंफ्रारेड हो सकती है, एक्सरेज हो सकती है, या सनलाइट की हम बात करें, तो कितनी एनर्जी एक सेकंड में एक यूनिट एरिया के ऊपर आती है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ दैट ईएम वेव। और हमने एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन हमें इसके अंदर एनर्जी चाहिए। हमने क्या कर लिया, हमने एक वॉल्यूम अज्यूम कर लिया, वॉल्यूम। वॉल्यूम अज्यूम कर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया। और मान लिया कि यहां से लेके यहां तक जाने में ई एम वेव को टी टाइम लगेगा, ठीक है। लेट ए वॉल्यूम, वॉल्यूम हुज एरिया इन विच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, और जो ई एम वेव है आपकी जा रही है इससे ट्रेवल करके जा रही है, यहां से जब वो यहां पहुंचती है तो उसको टी टाइम लगता है, एंड लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, सी टी कैसे टी टाइम उसको लगता है। और यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सी जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ ई एम वेव की जो स्पीड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सी बोल। तो टी टाइम में यहां से यहां पहुंचती है, तो टी टाइम में जब यहां से यहां पहुंचती है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, सी, और टाइम कितना है, टी, तो डिस्टेंस कितना हो गया, सी टी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की वो कितनी होगी, सी टी। तो इस वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी आ गई है, अगर उस एनर्जी को हम कैलकुलेट करें, एनर्जी एनक्लोज्ड इन दिस वॉल्यूम वो कितनी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट, ये एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये एनर्जी डेंसिटी होती है। तो क्या लिखोगे, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी को हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। पर हमने निकालना क्या है, ये क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी, इसका मतलब है एक यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी है। तो इतने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम है कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई में लेंथ, वो कितनी होगी, सी। ये क्या है, एनर्जी एनक्लोज्ड इन दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर एनर्जी कितनी है वो आ गई है हमारी, वो आ गई है हमारी एनर्जी, कितनी आ गई है, एनर्जी कितनी आ गई है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए सी टी, दिस इज द एनर्जी। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में, कितने टाइम में ये एनर्जी आई है इसके अंदर, टी टाइम में, और कितने एरिया के ऊपर गिर रही थी, एरिया के ऊपर। तो एनर्जी ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए सी टी डिवाइड में एरिया कितना है ए, और टाइम कितना है टी, ए से ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, देन दिस वन इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, this is the intensity of electromagnetic
वेव, अगर आपको पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी इंटेंसिटी होगी, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात थी, मोमेंटम बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम। देखिए फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी पता है कितनी होती है, एच सी बाई लैम्डा, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट एनर्जी इज एच सी बाई लैम्डा, वी नो दैट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज एच बाई पी, डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से आप इसको जानते हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से आप इसको जानते हो। और वेव की वेवलेंथ तो अगर हम मोमेंटम की बात करें, यहां पे मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम कितना आ गया आपका, मोमेंटम की बात करें तो वो कितना आ गया, एच बाई लैम्डा। और अगर इस रिलेशन से हम एच बाई लैम्डा की वैल्यू निकालें, एच बाई लैम्डा वो कितना आ जाएगा, ई बाई सी, इसको इक्वेशन वन मान लो, इसको टू मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो कि मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी बाई सी, एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी ऑफ ईएम वेव, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ईएम वेव, वो भी लाइट की स्पीड से ही चलती है। तो यहां से आप अगर मान लिया कि कोई बोले आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, तो वो कितना मोमेंटम देगी, वो इतना मोमेंटम देगी। अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई बोल दे कि वेव जो है उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो बताइए बताइए वो मोमेंटम कितना देगी। और आपसे बोल दिया जाए कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर लाइट आके वापिस चली जाएगी उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से, तो मोमेंटम जो है डबल हो जाता है, व्हेन लाइट स्ट्राइक विद, व्हेन लाइट स्ट्राइक विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन देन चेंज इन मोमेंटम is 2E by C। और ये होता क्यों है, देखिए मैं इसको बता दूं कैसे होता है। मान लिया कि इस तरफ आ रही थी तो उसकी वेलोसिटी वी है, कोई पार्टिकल की बात कर रहे थे तो पार्टिकल वी वेलोसिटी से आ रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया एम वी, और टकरा के वापिस चला गया तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया माइनस एम वी। कैसे, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में होगी भाई और मास सेम रहा तो माइनस एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज माइनस एम वी माइनस एम वी दैट इज माइनस टू एम वी, तो मोमेंटम में जो चेंज होगा वो डबल हो जाएगा। इसलिए हम इसको अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकराए तब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम एंड वी कैन राइट 2E/c। तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका जो चैप्टर है, सो एक छोटा सा टॉपिक बस रहता है, बाकी आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट थ्योरी, और कोई इसका पार्ट नहीं करता। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया,
एक टॉपिक है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम जो है उसका ट्रांसवर्स नेचर थ्रू करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे 5-10 मिनट का, इसमें करवाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाए। हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा, काफी छोटा चैप्टर है, 2 या 3 नंबर का ही आता है जब पूरा सिलेबस हो, वैसे 5 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पहले पढ़ा मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन। इसने क्या किया था कि दो प्लेट थी, प्लेट को किसी बैटरी से जोड़ दिया था, कैपेसिटर की प्लेट को, और बीच में देखा ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर्स लॉ इस बात को नहीं मानता था, वो तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो मैक्सवेल ने बोला कि एम्पियर्स लॉ ही गलत, तो उसने अपना ही एम्पियर्स लॉ दिया। वो क्या हुआ, बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट फाई ई बाई डेल्टा। उसके बाद हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन में हमने पहले गॉस लॉ, फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी E dot ds, मैं n नहीं लिख रहा, n यहां पे, और ये q in by epsilon naught, यह सेकंड जो हमारा था वो था B dot ds और एक क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू 0। थर्ड आपका था यही, ये थर्ड था आपका एम्पियर्स लॉ, और फोर्थ की बात करें तो वो आपका था E dot dl फैराडे लॉ और ए क्लोज लूप इज इक्वल टू d phi d by dt, और ये नेगेटिव होता है। ये आपका, ये इक्वेशन बताती है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ये बताती है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कई बार सीधे सीधे इक्वेशन पूछ ली है। उसके बाद हमने इस बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन किया। हमने बोला कि जिस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव म्यूचुअल परपेंडिकुलर रहे, प्रॉपर्टी में भी आता है, डेफिनेशन भी आप ये दे सकते हो, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे हमने ये सारी चीजें सीखी थी। उसके बाद हमने एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताया। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर भी हो सकता है, हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अगर क्वेश्चन इनमें दिया हो तो इनमें निकाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया था इसमें। उसके बाद हमने इंटेंसिटी जो कि आज ही के लेक्चर में किया है, वो क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, दिस इज द इंटेंसिटी। आप सोल्ड पे क्वेश्चन करें, वहां पे अच्छा क्वेश्चन है इसका, एक बल्ब है जिसका 100 वाट जो है वो पावर है, उसके 3 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर बताइए इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी जो है वो लाइट की कितनी होगी, ये क्वेश्चन है आपके सोल्ड में, आप देख लो, वो क्वेश्चन सबको करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोल्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी, लेकिन फिलहाल सोल्ड वाला कर लो, आप एक्सरसाइज वाला भी कर लो, जिसका जो डाउट आए वो हमें बता दें। तो ये आपका चैप्टर था, इसमें एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, बाकी आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट है जो हमने करवाया नहीं है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको आप भूल मत जाना। कई सारे ने वो बुक से टेबल ही देखना नहीं आया, मेरे पास कई बच्चों ने भेजा कि मैंने बोला था कि फ्रीक्वेंसी रेंज आपको लिखनी है, वेवलेंथ रेंज आपको लिखनी है, तो उनको लिखना ही नहीं आया। आप किसी बुक से चेक करो, प्रदीप से, उसमें रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज सब कुछ क्लियर दे रखा है। यहाँ पे आपको शायद जो ब्रैकेट एनसीईआरटी में लगा रखे हैं वो कुछ बच्चों को समझ नहीं आए, मेरे पास गलत भेजी गई है कई सारे बच्चों ने, तो आप क्या करिए, प्रदीप से उसको लिख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी रेंज वेवलेंथ रेंज क्या है, आप उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या उसके यूजेज है, कैसे आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, इसका कोई भी मेथड और नहीं है, ये सारी चीज़ें आप करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। थैंक यू।
है।